हेलो, मेरा नाम है हरीश कुमार पटेल और मैं शॉर्ट फिल्म बनाता हूँ। मेरी शॉर्ट फिल्म्स आप मेरे यूट्यूब चैनल हरीश कुमार पटेल पे देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि स्टोरी से स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, स्क्रीन प्ले कैसे लिखते हैं। इसको हम समझने के लिए दंगल फिल्म की स्क्रिप्ट देखेंगे, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि स्क्रिप्ट की फॉर्मेटिंग कैसे होती है और कैसे उसे लिखा जाता है। दंगल फिल्म महावीर सिंह फोगाट की बायोपिक है, जो एक हरियाणा बेस्ड रेसलर हैं। इसे लिखा है नितेश तिवारी, पीयूष गुप्ता, श्रेयस जैन और निखिल मल्होत्रा ने, और इसे डायरेक्ट किया है नितेश तिवारी ने। इस फिल्म में महावीर सिंह फोगाट का रोल प्ले किया है आमिर खान ने। तो किसी भी स्क्रिप्ट या स्क्रीन प्ले में जो बेसिक एलिमेंट्स होती हैं वो हैं सीन हेडिंग, एक्शन, कैरेक्टर, डायलॉग, पैरेंथेटिकल और ट्रांजिशन। सीन हेडिंग में सीन के लोकेशन और टाइम के बारे में लिखा जाता है। एक्शन में उस सीन पे जो हो रहा है, ठीक है, कैरेक्टर जो है और सिचुएशन क्या है उसके बारे में लिखा जाता है, पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। कैरेक्टर का नाम कैपिटल्स में डायलॉग के ऊपर लिखा जाता है सेंटर पे। डायलॉग जो कैरेक्टर अपना स्पीच देगा वो डायलॉग के फॉर्म में, ठीक, उसे लिखा जाता है कैरेक्टर के जस्ट नीचे। पैरेंथेटिकल ब्रैकेट में लिखा जाता है कोई किसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए। ट्रांजिशन लिखा जाता है एडिटिंग के समय दो सीन के बीच में ट्रांजिशन क्या होगा ये बताने के लिए। तो इस सारे छह एलिमेंट्स को हम इस स्क्रिप्ट के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इंटीरियर ऑफिस आफ्टरनून। तो ये सबसे पहले क्या है, ये सीन हेडिंग में बताया गया है लोकेशन इंटीरियर ऑफिस। INT का मतलब है इंटीरियर, और यहाँ पे दो टर्म यूज होते हैं INT और EXT। तो INT का मतलब होता है इंटीरियर, EXT का मतलब होता है एक्सटीरियर। तो सबसे पहले लिखा गया है लोकेशन ऑफिस इंटीरियर का सीन है, मतलब ऑफिस के अंदर का सीन चल रहा है। और यहाँ पे है, ये है टाइम, ये लोकेशन और ये टाइम। तो टाइम बताया गया है आफ्टरनून का टाइम है। उसके बाद आता है एक्शन लाइन। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्शन लिखा है टाइट क्लोजअप ऑफ टीवी स्क्रीन, मतलब हमको जो स्क्रीन में दिखेगा एक टीवी स्क्रीन दिखेगा, ठीक है। VC मच्छर मक्खी हमें दिखाई देते हैं आसपास, मच्छर मक्खी। तो ये हो गया एक्शन लाइन। जैसे हम किसी दूसरे सीन पे जाते हैं, ये सेकेंड सीन है जहाँ पे लिखा है EXT, मतलब ऑफिस के बाहर का सीन है लोकेशन। कंटिन्यूस मतलब जो वो आफ्टरनून का टाइम था वो आगे कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। अगर दूसरा सीन में अगर टाइम चेंज हो जाता है तो यहाँ पे आप टाइम चेंज कर सकते हैं। तो जो टाइम होता है, टाइम पे आप कोई स्पेसिफिक टाइम दे सकते हैं, जैसे अर्ली मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, लेट नाइट, मिड नाइट, या फिर यहाँ पे सिंपली आप अगर कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं डे या नाइट। अब देखते हैं हम एक्शन। एक्शन पे यहाँ पे क्या हो रहा है, टीवी स्क्रीन कम्स टू लाइफ, मतलब टीवी स्क्रीन ऑन हो जाता है। इंटरनेशनल रेसलिंग मैच इज़ गोइंग ऑन, टीवी पे इंटरनेशनल रेसलिंग मैच हो रहा है। वी सी महावीर सिंह दिखते हैं। और ए यंग मैन अराउंड 25-28 ईयर्स ओल्ड लुकिंग एट द टीवी फ्रॉम द विंडो, खिड़की से एक दूसरा आदमी यंग मैन है कोई 25-28 साल का जो खिड़की से टीवी को देख रहा है। अ स्माइल अपीयर्स ऑन हिज फेस, तो यहाँ पे दिखाया है कि वो स्माइल कर रहा है, ये हमको दिख रहा है स्क्रीन पे। अब यहाँ पे सेंटर पे आते हैं, हम बात करते हैं कैरेक्टर की। तो कैरेक्टर का बोल रहा है महावीर सिंह। उसके बाद आता है डायलॉग। तो कैरेक्टर का जो नाम है उसे हम कैपिटल में लिखते हैं। और VC महावीर सिंह, यहाँ पे महावीर सिंह का नाम स्मॉल लेटर में लिख दिया है, बट ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट है वो कैपिटल में होना चाहिए। तो अगर कहीं भी एक्शन में किसी का नाम आता है तो उसे कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। कैरेक्टर का नाम सेंटर में लिखा जाता है। उसके बाद आता है डायलॉग कि वो क्या बोल रहा है, आ गया। तो थोड़ा सा स्टार्ट से देखते हैं।
अब देखते हैं हम कैरेक्टर के बारे में। यहाँ पे लिखा गया है कैरेक्टर का नाम, जो कि कैपिटल में लिखा गया है प्यून। प्यून का वॉइस ओवर आता है आया के। यहाँ पे वॉइस ओवर लिखा है, इसका मतलब ये है कि स्क्रीन पे हमको प्यून दिखेगा नहीं, सिर्फ उसकी आवाज़ आएगी। उसके बाद लिखा है महावीर सिंह, ये भी कैपिटल लेटर में लिखना है। कैरेक्टर का नाम फिर से आया, सेंटर पर लिखना है। और ये आया वॉइस ओवर अगेन, मतलब यहाँ भी महावीर सिंह दिख नहीं रहे हैं, सिर्फ उनकी आवाज़ आ रही है, तो ना। उसके बाद आया फिर से प्यून, महावीर सिंह, प्यून, महावीर सिंह, इनका जो कन्वर्सेशन है वो चल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सेकेंड सी आता है, यहाँ पे लिखा है EXT ऑफिस टेरेस। EXT मतलब एक्सटीरियर, ऑफिस के बाहर है ऑफिस टेरेस पे। और कंटिन्यूस, कंटिन्यूस मतलब जो सेम टाइम है वो कंटिन्यू हो रहा है। और यहाँ पे एक्शन लिखा हुआ है, प्यून इज स्टैंडिंग नियर अ टीवी एंटीना। टीवी एंटीना के साइड में प्यून खड़ा हुआ है। बैलेंसिंग हिमसेल्फ ऑन द टेरेस, ही रब्स टोबैको ऑन हिज पाम, तो वो जो तंबाकू रब करता है। बिहाइंड हिम वी सी इंटायर स्ट्रेच ऑफ बलाली, अ विलेज इन हरियाणा, तो उसके पीछे पूरा जो हरियाणा जो बलाली है उसे दिखाना है। तो ये चीज़, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं सीन पे, वो वहाँ पे लिखना है कहाँ पे, एक्शन पे। उसके बाद फिर से करेक्टर, करेक्टर का नाम प्यून, यहाँ पे वीओ नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पे प्यून दिख रहा है हमको, इसलिए यहाँ पे वीओ नहीं लिखना है। जहाँ पे करेक्टर दिख नहीं रहा हो और उसका आवाज़ आ रहा हो, तो वहाँ पे लिखना है वीओ वॉइस ओवर। प्यून बोलता है, उसके बाद डायलॉग फिर से नीचे, अब महावीर सिंह, यहाँ पे वॉइस ओवर, मतलब महावीर सिंह ही दिख रहे हैं, दिख रहा है कौन, प्यून। अरे ठीक तरह घुमावे ना, ये उनके उनका डायलॉग। उसके बाद अगेन एक्शन, अगर आपको बताना है सेम सीन पे तो फिर से साइड में आइए और यहाँ पे एक्शन लिखिए। उसके बाद फिर से करेक्टर और डायलॉग। तो इस तरीके से सीन समझ में आ गया, एक्शन लाइन, करेक्टर और डायलॉग। पैरेंथेटिकल और ट्रांजिशन का यूज़ दंगल फिल्म की स्क्रिप्ट में नहीं किया गया है, तो इसको समझने के लिए मेरी एक फिल्म है, शॉर्ट फिल्म हमारी बेटी, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे मैंने लिखी है, ये जो स्क्रिप्ट है इसे देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है INT, मतलब इंटीरियर बेडरूम, नाइट का टाइम है। अ लेडी सरिता 27 ईयर्स। तो यहाँ पे आप जो एक्शन लाइन है वहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कैरेक्टर्स के बारे में, कि एक लेडी है, उसका नाम यहाँ पे पहला आएगा सरिता, फिर एज है 27 ईयर्स, एंड हर हस्बैंड मनीष 32 ईयर्स बिसाइड लाइंग ऑन बेड, दोनों लेटे हुए हैं। वाइड शॉट लेना है, यहाँ पर टिकट में लिखा है वाइड शॉट, मतलब ये समझाना है डायरेक्टर को, या फिर अगर डायरेक्टर खुद लिख रहा है तो अपने लिए लिखता है कि वहाँ पे वाइड शॉट लेना है। तो मैंने इस फिल्म को खुद डायरेक्ट किया है, तो ये इसके मैंने अपने लिए लिखा है कि वाइड शॉट लेना है वहाँ पे। अब हम देखते हैं करेक्टर और डायलॉग को। ये है मनीष, जो कि कैरेक्टर है, जो कैपिटल में लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। डायलॉग है, क्या हुआ सरिता, फिर से वही सपना देखा, फिर यहाँ पे एक्शन अगर रिक्वायरमेंट है तो, फिर सरिता, हाँ यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ब्रैकेट में डीप वॉइस, तो इसे बोलते हैं हम पैरेंथेटिकल, ये है पैरेंथेटिकल। तो पैरेंथेटिकल का यूज़ यहाँ पे इसलिए किया गया है क्योंकि मुझे स्पेसिफिक बताना है कि यहाँ पे जब ये डायलॉग बोल रही है हाँ सरिता, तब उसका जो वॉइस है वो डीप वॉइस बोल रही है, डीप वॉइस से बोल रही है, तो वो एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है वो हो गया पैरेंथेटिकल, जो इंपॉर्टेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। अगेन यहाँ पे देख सकते हो आप सरिता, फियर ऑन फेस, तो जिस समय डायलॉग बोल रही है उस समय उसके फेस में एक डर सा है, फियर है, तो इसे बोलते हैं हम पैरेंथेटिकल। अब आते हैं ट्रांजिशन के बारे में, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लिखा है फेड, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लिखा है फेड इन। फेड इन जो एक ट्रांजिशन का टाइप है, जो फेड इन होना है कहाँ से कहाँ पे, ये जो सीन चल रहा है फर्स्ट सीन और ये जो सेकेंड सीन है इंटीरियर रूम मॉर्निंग का सीन, तो इन दोनों के बीच में एडिटिंग के समय क्या ट्रांजिशन होना है वो है फेड इन। अब हम देखते हैं ट्रांजिशन के बारे में, तो ट्रांजिशन यहाँ पे लिखा हुआ है फेड इन। फेड इन एक टाइप ऑफ ट्रांजिशन है जिसे एडिटिंग के समय करना है इस फर्स्ट सीन और इस सेकेंड सीन के बीच में, तो इसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन। वैसे ही अगर सेकेंड सीन आया, सेकेंड सीन
और थर्ड सीन के बीच में कोई ट्रांजिशन देना है, तो हो गया कट टू सेकेंड सीन, और इस सीन और इस सीन के बीच में ट्रांजिशन है। आई होप कि आपको स्क्रिप्ट की फॉर्मेटिंग समझ में आ गई होगी। मैंने एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करी है जहाँ तक मुझे नॉलेज है। अब आप मेरी शॉर्ट फिल्म्स हमारी बेटी और भी शॉर्ट फिल्म्स मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और मेरी शॉर्ट फिल्म पसंद आते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।